from Canada, Moni G from Faridabad. It starts early, Chali Ji. Okay, we'll start all over again. Thank you for joining. Okay, thank you. Thank you, Salman Ji, for that part. Liked it. After a long time, we started putting this music on again. But anyway, once again, I want to welcome all of you to Dil Diyan Gallan this morning. Morning hai yahan par, India mein evening hai, and Canada mein bhi morning hi hai. Canada and USA, the time has changed this weekend, so we were a little bit concerned about the timings and all, but anything, everything got straightened out. That's really great. So welcome, namaskar sabko, Dil Diyan Gallan ki taraf se, namaskar, sat sri akal, salam alaikum, jai shri krishna, wherever you are, everybody, morning, evening, afternoon. हमारा प्रोग्राम मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे को होता है सेम टाइम, एंड दिस टाइम हमारी स्टोरी चलने वाली है अभी थोड़ी देर में. तो हमारे साथ प्रीतम जी हैं जो बड़ी फर्स्ट क्लास स्टोरी सुनाते हैं, और उनके साथ प्रदीप जी भी हैं एंड मोनी जी भी हैं. दे सिंग एंड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी, द सिंगिंग पार्ट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी एज वेल. सो आज थोड़े हम पूछेंगे प्रीतम जी से, थोड़ा रिकैप करेंगे, because it's been going on for about a year now. So, dekhte hain, thoda recap karenge. And of course, I have my co-hosts with me. Shali ji is from Chicago, and Nandini is from Syosset, Long Island, New York. And I'm also from New York. So, from different parts. Moni ji, what happened to her? Okay, she'll be back. So anyway, welcome, Pritam ji. Hum chahte hain ki apne baare mein kuch humko thoda introduction dijiye. नमस्कार सभी को. लॉन्ग टाइम. नाम तो सभी को पता लग गया. मैं रहता हूँ अभी, हूँ तो फरीदाबाद का, लेकिन अभी मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में रह रहा हूँ अपने बेटे और बहू के साथ. एक पोता है, उसके साथ रह रहे हैं हम. रिटायर्ड हो गए हैं हम, बिफोर टाइम रिटायरमेंट लेने वाले हैं. जब हमें लगा कि जिम्मेदारियाँ पूरी, मौज करने का टाइम आ गया, मौज करते हैं. जैसे अभी किसी ने कुछ दिन पहले पूछा, जैसे कोई मिलता है ना, अभी पूछते हैं उनको, पता नहीं मैं बूढ़ा नहीं लगता या क्या, कोई कुछ होगा तो वो सोचते आप करते क्या हो, मतलब उनको शक्ल से लगता है कि काम, अब भी काम का आदमी है, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा. तो मैं कहता हूँ मैं मौज कर रहा हूँ. ओह गुड. तो वो पूछते हैं नहीं मौज तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या कर रहे हो. मैं कहूँ मौज वैसे कोई काम नहीं होता क्या. मुझे लगता है सबसे बढ़िया काम मुझे आज तक का, मैंने बहुत सारे काम किए, वो अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा काम लगा मौज करना. तो आजकल मैं वही कर रहा हूँ अपने ग्रैंडसन के साथ, 3.5 साल का है. और बाकी संगीत में रहना जितना भी समय और मिलता है, कुछ बुक्स पढ़ने में, गाने में, ट्रैक में, कुछ ना कुछ इन्हीं कामों में लगे संगीत से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं. कुछ सीखता रहता हूँ हर रोज़, यूट्यूब से सीखता हूँ, गुरुओं से सीखता हूँ, किसी साथ वाले जैसे प्रदीप जी से भी सीखता हूँ कई बार टेलीफोन करके, मोहिनी जी के भी ऑडियो वीडियो सुनता रहता हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं, और उनसे चुरा चुरा के फिर मैं अपना बना लेता हूँ, पेश करने के लिए केस तैयार कर लेता हूँ इधर उधर से सब कुछ लेके. तो बस इंट्रोडक्शन तो इतना ही है. अब ये कहानी चलाएंगे उससे पहले चाह रहे हैं कि प्रदीप जी भी कुछ बताएं, मोहिनी जी भी कुछ बताएं अपने बारे में, फिर हम वो कहानी को वहीं से लेते हैं थोड़ा सा रिकैप करके. ठीक है. थैंक यू जी प्रीतम जी. एंड प्रदीप जी आप भी कुछ अपने अपने बारे में. आई नो यू आर ए म्यूजिक लवर. आई कैन सी द ब्यूटीफुल सितार्स इन द बैकग्राउंड एंड आई सॉ योर प्रोग्राम इन द वीकेंड. आपने अपने घर में खूब अच्छी सी पार्टी करी थी, तो बताएं कुछ उसके बारे में. हाँ जी, आजकल बस हमारा वर्जन मौज मस्ती का बस यही है कि कुछ कैरियोकी ग्रुप्स हैं यहाँ पर कनाडा में जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो इस बार हमारी टर्न थी होस्ट करने की, तो वो आपने देखा उस पर जिसकी आप बात कर रहे हैं पार्टी की. तो अच्छा लगता है हर महीने किसी ना किसी के यहाँ, या हर महीने दो महीने के अंदर किसी ना किसी के यहाँ होती है, तो उसमें अपना थोड़ा बहुत हमारी मौज मस्ती वहाँ चलती रहती है.
तो उसको आप सबके साथ शेयर किया। दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, बट आई बिन इन कैनेडा सिंस 1975, सो आई बिन हियर फॉर अ व्हाइल। चल रहा है, म्यूजिक का पैशन है, और अपना यही इसी तरफ ज़्यादा है, थोड़ा बहुत अपना साइड पे जो काम है। वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट लगे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है, वी आर एंजॉइंग लाइफ, बच्चों को सेट कर रहे हैं, सब कुछ लाइफ चल रही है, म्यूजिक के साथ अच्छा सफर निकल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड. म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग. इफ यू लव म्यूजिक, आई थिंक दोज आर द ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर. डेफिनेटली इट्स अ लव इज मेडिटेशन, या डेफिनेटली. एंड इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर फॉर अ गुड, आई थिंक अ गुड रीजन, यू नो, गुड फन, मजा आता है. गुड फॉर यू, गुड फॉर योर माइंड, या योर सोल, फॉर एंड श्योर, फॉर श्योर। दैट्स यू गेट अलोंग, द होल डे पासिस वेरी नाइसली. या यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं वीडियोस अपनी पोस्ट करता रहता हूँ, तो बस वही जैसा आप कह रहे हैं, जब नीचे जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, 3-4 घंटे या जो भी टाइम लगता है, यूजुअली इट्स इन द नाइट, आई गो 9 or 10 o'clock, कम अपस्टेयर्स 1 or 2 o'clock, एवरीबडी अपस्टेयर्स इज स्लीपिंग एंड आई एम सिंगिंग रिकॉर्डिंग एंड स्टफ। दैट्स माई पैशन, आई जस्ट लव डूइंग दैट। टाइम कहाँ जाता है पता नहीं लगता म्यूजिक में। वो तो है म्यूजिक के साथ तो. नीना जी वही वो कहते हैं कि अगर रात को नींद ना आए तो स्टार्ट लिसनिंग द म्यूजिक, स्टार्ट सिंगिंग द म्यूजिक, यू नो, इट रिलैक्स योर माइंड. दैट्स अ गुड रेमेडी, यू नो, वन That is कैन true. हैव इट. यस, And अब दिस मैं इज द चाहती बेस्ट हूँ, मेडिटेशन. अब मैं चाहती हूँ मोहिनी जी भी अपने बारे में कुछ बताएं हमको. जी, वॉइस क्लियर है? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा भी म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है. अभी बाकी चीजों में तो फुर्सत हो गई है, लेकिन अभी म्यूजिक से मेरे कई ग्रुप हैं. ग्रुप में हम लोग वीकली डालते हैं थीम और चैलेंज सॉन्ग्स वगैरह डालते हैं, तो बस ये सब इंजॉय करते रहते हैं. बाकी दिनचर्या तो जैसे आप तो जानते ही हैं कि लेडीज के लिए, और स्पिरिचुअल वे में भी हमारे मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं. चर्च की मीटिंग है और हमारी लेडीज की मीटिंग्स होती हैं, प्रेयर मीटिंग्स वगैरह, तो ये सब करते हैं. और मैं भी रात के समय में ही जब सब सोने लगते हैं तब मेरा म्यूजिक सेशन चलता है, रिकॉर्डिंग करती हूँ और प्रीतम जी को बार बार कुछ कुछ भेजती हूँ सुनार के लिए, तो वो मेरे को करेक्ट करते हैं, कई दफे सीखते भी हैं, तो ऐसे ही चलता रहता जिसको मैं है. हाँ, जनरली सुबह उठने के बाद सुनता हूँ, ये रात में आया हुआ। देखो, आपका सुबह हमारी रात होती है, आपका जब जब हमारा सुबह होता है आपकी रात होती है, तो बेसिकली सेम टाइम ही हो गया ना. एनीवे, आप थोड़ी सी एक एक लाइन अपने को होस्ट से भी सुनना चाहती हूँ. ब्रीफ अपना अपने बारे में थोड़ा बताएं शैली जी, एंड देन नंदनी जी बाद में, एंड देन प्रीतम जी इज गोना रीकैप द स्टोरी. सो शैली जी, आप भी हमारे प्रोग्राम के दिल दिया गल्ला के बहुत ही फेथफुल पार्टिसिपेंट, एज वेल एज ए, यू नो, ऑलवेज कम एज ए को होस्ट विद मी. व्हेनेवर आई आस्क यू फॉर एनीथिंग, यू ऑलवेज देयर. आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट. सो अपने बारे में भी, आई नो यू ऑल्सो म्यूजिक लवर एंड यू विल हैव लॉट ऑफ ग्रुप्स दैट यू ज्वाइन एंड यू ब्रिंग फ्रेंड्स फ्रॉम योर ग्रुप्स टू आवर प्रोग्राम एज वेल, व्हिच इज रियली वेरी नाइस ऑफ यू. तो अपने बारे में थोड़ा बताएं. आई नो व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, आई नो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर लिटिल पेट डॉगी, बट बिजी टाइम पे भी निकाल के अब आए, दैट्स आई रियली अप्रिशिएट दैट. तो अपने बारे में थोड़ा बताएं. थैंक यू वीना जी. मेरी तो इतनी इंट्रोडक्शन है कि मैं आपकी सहेली हूँ, सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन एंड इट्स माय प्लेजर टू होस्ट इन योर को होस्ट विद यू. तो बाकी जैसे प्रदीप जी ने कहा और प्रीतम जी ने कहा कि मौज मस्ती करते हैं, वही मैं करती हूँ. वही मैं भी यही सोचती हूँ कि मौज मस्ती करते जाओ, जिंदगी अच्छी निकल जाती है. तो यस, यू नो, आई हैव अ पैशन इन म्यूजिक ऑल्सो, यू नो, विच गिव्स मी मोर ऑफ ए पीस ऑफ माइंड एंड रिलैक्सेशन, यू नो, और आई एंजॉय डूइंग इट, यू नो. तो बाकी जिंदगी खुशी से गुजारे हैं, खुशी से गुजारते रहेंगे. दैट्स माई थैंक यू, थैंक यू. इंट्रोडक्शन. आप भी थोड़ा नंदिनी जी अपने बारे में थोड़ा बताएं हम सबको. आई नो यू ऑल्सो कम सम टाइम्स एज अ को होस्ट विद मी. जब आप फ्री होते हो तब आते हो, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. आई लव टू हैव यू हियर विद मी. सच ए लुक एट द ब्यूटीफुल फेस, स्माइलिंग, मजा आता नमस्कार एवरीवन. है.
It is always a pleasure to be with Veena ji on Dil Diyan Gallan and share Dil Diyan Gallan with her. I have been her co-host for almost 3 years now. But for the past 1 year, I have been a dedicated co-host to her because we are so involved with our friends from far India, Canada. And it's always a pleasure to be with Pritam ji, Pradeep ji, and Mohini ji on the same platform and share the screen with them. It's an honor for me. Or when they are coming, there is no saying no, no backing off. I cancel all my plans. Even if it is a doctor's appointment, I say, no, I'll come an hour later. So that's really good because you are फ्रेंडशिप में या प्रोग्राम के जब जब आ रहे हैं तो स्टोरी सुनने में तो दिल करता है ना इनकी तो स्टोरी भी तो सुननी है हमने यस एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म एट आरसी वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम यस सो लेट्स हियर द विसल यस हम चाहते हैं कि प्रीतम जी थोड़ी सी रीकैप करें ताकि देन वी कैन सम फॉलोअर्स हैव जस्ट जॉइंड अस लास्ट ईयर सो दे डोंट मे बी फ्यू मंथ्स अगो और 6 months ago, तो उनको नहीं मालूम कि स्टोरी की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं आप। ये हमारी कहानी शुरू हुई थी झेलम एक्सप्रेस जो दिल्ली से चली थी उसमें हमारी कहानी शुरू हुई थी भाग के कोई चढ़ता है लास्ट मोमेंट पे मतलब मिस करते करते गाड़ी को पकड़ना और फिर सेटिंग करना और फिर सामने कोई हसीना का बैठे होना और उनको देखते रहना और नज़रें मिलना और बस वो नज़रों नज़रों से बातें होते 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 लुट गए और वो कहानी अभी तक चल रही है कि जब वो उनका नाम सपना जो गैस किया कि शायद यही होगा तो उनको सपना को जो कहना होता है वो रेडियो पे आके कहती हैं और जब महिंदर को कहना होता है तो वो चिट्ठियों में लिख देते हैं और लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था कि वो चिट्ठियों का बंडल जो उन्होंने लिखा था काफ़ी सारी हो गई थी तो उनको लगा कि लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं है और लॉटरी लगने के इंतज़ार में बैठे हैं लिखी हैं तो पहुंचाओ इनको तभी तो आगे कुछ चांस बनेगा कहानी आगे बढ़ने का तो उन्होंने वहाँ पे चाय वाले चाचा से दोस्ती की और वहाँ पे वो चिट्ठियों का बंडल छोड़ दिया और जो कानों से उनको लगा कि शायद चिट्ठियाँ मिल गई लेकिन कोई जवाब ना आ पाके कुछ आया नहीं क्योंकि उन्होंने सेल्फ एड्रेस वाला एनवल्प उसमें रखा था लेकिन वो मिला नहीं तो उन्होंने फिर से जाके चाचा से पता किया तो उन्होंने कहा हाँ वो बंडल हमने दे दिया था और लास्ट अपडेट ये है कि वो अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली साइड में गई है परिवार के साथ तो ये लास्ट टाइम जो हमने कहानी छोड़ी थी वो इटारसी के स्टेशन पे इंतज़ार में थे कि जिस दिन पता लगा चाचा ने कहा कि वो गई हैं तो उन्होंने सोचा कि हम 1-2 दिन रुक के देखते हैं क्या पता वापस आ जाएं लॉटरी लग जाए तो लास्ट टाइम हमने स्टेशन पे ही हमने सुमिता का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया 26 अक्टूबर को और करने के बाद हमने वहाँ पे कुछ समय बिताया रात में और आखिरी जो एनर्जी भेजी थी ब्रह्मांड को प्रदीप जी ने पल पल दिल के पास तुम रहती हो तो उससे आगे अब हम चलते हैं अपनी कहानी को लेके उसके बाद क्या हुआ कि वो रात तो गुजर गई दूसरे दिन सुबह से तैयारी होने लगी कि शाम को तो मुलाकात होने वाली है तो दिन भर थोड़ा थकान वकान निकाल के और शाम को जल्दी से ही सज संवर के तैयार होके और मौसम थोड़ा सा जैसे बरसात का हो जाता ना बादल से गिराते हैं थोड़ा सुहाना सा कह लो या कुछ नमी सी थी उसमें पहले से ही कैसा महसूस होता है वहाँ पे खड़े महेंद्र सिंह को कैसा लग रहा था वो अब प्रदीप जी सुनाएंगे कि कैसा महसूस क्या भाव थे उनके गाड़ी आने से पहले क्योंकि शाम ही हुई थी गाड़ियाँ जनरली लेट में आती हैं दिल्ली साइड की वहाँ से जो निकल रही थी जिन पे हमें उम्मीद थी कि मुलाकात होगी दिन में भी आती गाड़ियाँ तो लेकिन उनका जो पहली मुलाकात भी हमारी ऐसी ट्रेन में हुई थी तो हम सोच रहे थे शायद उसी ट्रेन से वापस आएंगे प्रदीप जी ठीक चलते चलते चलते
बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो किसने, मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू रुत जवान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या घुमा हो रहे हैं, हर कली शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार है हुस्न वाले, ऐ मेरे यार है हुस्न वाले, दिल दिया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम Nice.
मौसम बदला हुआ था ना, तो उसका मौसम का भी थैंक यू करना जरूरी था, जो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करके दिखा दिया कि आपके अच्छे होने का बड़ा फायदा हो रहा है। आप ये मत सोचना मौसम ने अच्छा होके मेहनत की है तो बेकार चली गई, मौसम अच्छा है तो कोई आने वाला भी है। तो बस जैसे ही अगर ट्रेन आने का समय हुआ तो दिल की धड़कन बढ़ गई, और वही जैसे कुली ढूंढता है सवारियों को वैसे, क्योंकि जब पता नहीं हो ना कौन सी ट्रेन से कौन से डब्बे में आ रहे हैं तो ज़्यादा बेचैनी होती है कि हम पता लगा कि दूसरे डब्बे में वेट कर रहे हैं कोई उतरेगा और कोई पीछे के डब्बे से उतर के चला भी जाए, तो हमें सभी तरफ नज़र रखनी पड़ती है। वो करते करते बड़ी कोशिश की लेकिन कोई मिस ना हो, लेकिन मिस क्या, कोई आया भी नहीं। और फिर जो निराशा हुई तो हमें लगा, फिर वो याद आया कि वो कहते हैं जब आपको भी सबको पता होगा कुछ तो अंदाज होगा कि जब प्रेशर कुकर में सीटी ना आ रही हो तो क्या करते हैं, आग को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फ्लेम को तेज़ कर देते हैं। तो हमें लगा कि ये पुकार में कुछ और मिलाना पड़ेगा, लगता पुकार में इतनी एनर्जी नहीं जा रही है। तो वो जो एनर्जी डाली वो सुनते हैं अभी कि पुकार में कैसे एनर्जी मिलाई, कि भाई कोई तो आए, वो सुनते हैं अभी। मेरे
इसी पे मैं कुछ लाइनें कह देती हूँ, क्योंकि ये अभी प्रीतम जी ने कहा कि इंतजार होता है कोई आया नहीं, तो कहते जब भी ये दिल उदास होता है, जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, कोई वादा नहीं किया लेकिन फिर भी क्यों इंतजार होता है, ये इनके गाने में शोर आया है। वेरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। वो तो ये बन तो रहा है। आई ये नो। आवाज देने के बाद में हमने अगली गाड़ी को भी बड़े जोश से, मुझे लगा कि हाँ शायद, क्योंकि वो कह रहा था कि लेटर दे तो दिए थे चाचा को, पहुंच भी गए थे, लेकिन वो कुछ वो पता नहीं क्यों पढ़े नहीं, क्या हुआ या क्या बंदिशें हैं किसी का अंदाज नहीं होता। तो वो चलते चलते नेक्स्ट ट्रेन में भी जब वो नहीं आई, देखते देखते तो सोचा कि अगली ट्रेन का पता करते हैं। अगली ट्रेन थी करीब और 2 घंटे के बाद में, तो हमने सोचा चलो अब यहाँ पे, उस दिन चाय पीने का कुछ मूड बन नहीं रहा था क्योंकि कोई कंपनी नहीं हो ना तो भी खाने पीने का इतना आनंद आता नहीं है। तो फिर चल के घूमते घूमते ऊपर से आके 4 नंबर प्लेटफार्म पे सोचा थोड़ा एक चक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ बिताते हैं। वहाँ बैठे बैठे फिर जो दिल का हाल था, कैसा महसूस हो रहा था वहाँ बैठ के एकांत में, क्योंकि वो प्लेटफार्म तो ऐसा लगता था कि हमारा खरीदा हुआ प्लेटफार्म है, हमारे अलावा कोई दिखता ही नहीं वहाँ पे, ऐसा लगता था। तो वहाँ का अब एहसास वहाँ जो थे उसको हम सुनते प्रदीप जी से। Go.
वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल इसमें धर्मेंद्र का गाया हुआ ये when he's singing that song hui sham unka khayal aa gaya, beautiful beautiful. ab ye thode sham mein the, aapne bhi itni feeling se ga rahe hain sab, you know, kuch khaas hi baat lagti hai, kya batane wali hai, khaas baat to hai, ha khaas baat to, ye to thodi sharm kar rahe hain ki khayal sham ko hi aaya, khayal to raat din rahe hi rahe the aane ke liye, kyunki koi ye na kahe ki tankha kyun le raha hai, jab khayalon mein rehta din mein bhi to kam se kam din mein to dikhana padega na kaam kar rahe hain. लेकिन मैंने बोला कि आपके गाने सब यू नो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी है, बट अगर टाइम मिला एंड में तो उनका रिक्वेस्ट भी मैं आपको बता दूंगी. ये लिखा हुआ है, तुझसे नरक नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं. मोहिनी जी सुना सकती है? सुना सकती है तो ठीक है, मैं भी गा दूँ. प्रीतम जी से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जल्दी जल्दी में. तो अगर आपको चांस मिले बॉलीवुड में गाने का, तो फॉर विच सिंगर यू आर गोइंग टू सिंग इट? विच सिंगर? या किसके लिए आप गाओगे? प्रीतम सिंह के लिए. प्रीतम सिंह जी एक्टिंग भी करेंगे. नहीं, मैं किसी को भी थोड़ा सा भी कॉपी कर नहीं पाता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी स्टाइल में गाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं किसी का भी थोड़ा सा भी टेक्सचर भी नहीं मिला पाता. आवाज तो मिलती नहीं किसी से भी. नहीं, मैं कह रही एक्टर किस एक्टर के लिए गाओगे? हाँ, एक्टर मुझे लगता है. तब ये कह रही प्रीतम जी ने एक्टिंग भी करनी है. हाँ, एक्टिंग भी करता हूँ मैं, लेकिन वो मेरी उम्र के गाने बनेंगे तो वो भी गाएंगे. जैसे कि कोई गाना आया मेरी जोहरा जबी टाइप आया, तो फिर वो हम अपने लिए गाएंगे. और नहीं तो वो थोड़ा सा कोई सोबर सा एक्टर हो, जो थोड़ा भावपूर्ण हो, बलराज सानी टाइप हो, जिनके एक्टिंग में कुछ जान हो ना, उनको गाओगे तो गाने अमर हो जाते थे ना ऐसे एक्टर के ऊपर जो गाने आए, वो अब भी कभी मरे नहीं ना मरेंगे. थैंक यू. तो मोनी जी, जब टाइम चांस हुआ था, आप गा देना ये गाना. इसके बाद फिर क्या हुआ कि अगली ट्रेन जो आने वाली थी, उसके पहले टहलते टहलते फिर एक नंबर प्लेटफार्म पे आ गए, और उसमें भी दिल लगा के किया कि भाई अब तो काफ़ी सारे और भी बुलावे भेज चुके हैं, कोई तो असर करे, और देखा तो कोई नहीं आए उसमें. तो उसके बाद ज़्यादातर समय हमारा फिर चार नंबर प्लेटफार्म पे ही गुजर रहा था, क्योंकि वहाँ एकांत था, तो वहाँ हमारे खुल के भी गा सकते थे, सिर्फ दिल में गाने की ज़रूरत नहीं थी. तो अब अगला भाव है ना, थोड़े से ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के गाने वाले भाव हो गया, मन मन की बात वहाँ पहुँच नहीं रही थी. तो प्रदीप जी अब चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि भाई लौट के आ जाओ. प्रदीप जी चलो चलो लौट के आ
आ लौट के आ जा मेरे मीर, आ लौट के आ जा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आ जा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आ जा मेरे सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आ जा मेरे खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आ जा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे बुलाते हैं। आ लौट के आ जा मेरे मीर। ये गाने ऐसे हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं। दिल का, माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, कहाँ चली गई? बहुत सुंदर, मेरे को बहुत सुंदर यही हो रहा है। रियली सीरियस, ऐसा लग रहा है ना, हमारे लिए गाना होता तो हम तो अभी भाग के पहुंच जाते। भाग रहे, मैं तो कनाडा ही बैठी होती। ये गाने ऐसे हैं जो आपको साथ में गुनगुनाने को मजबूर करते हैं। ये प्रदीप जी गा रहे थे और हम भी साथ में गा रहे थे। अपने आप को म्यूट किया। ये तो वैसे भी चार नंबर पे वो चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे, क्योंकि वहां उनके अलावा कोई सुन नहीं रहा था।
मेलोडी सॉन्ग्स में पुराने सॉन्ग्स में क्या भरी हुई होती है. दैट इज वेरी ट्रू. ये जितने गाने थे ना पुराने और कुछ हद तक अर्ली 2000 आई वुड से, तो वहां तक तो ठीक थे. अब 2000 के बाद गाने क्या बनने लगे, इश्क कमीना, तेरा बाप कमीना, फिर अजीब अजीब गाने. ऑल ऑफ अ सडन यू नो वो गाना बना तू लॉन्ग ते मैं लाची, वो मसाले भी आ गए उसमें गाने. यू नो सो सम ऑफ दीस सॉन्ग्स डोंट मेक सेंस बट पीपल आर सो यूज्ड टू जंपिंग एंड डांसिंग दैट दे रियली डोंट पे अटेंशन टू द लिरिक्स. So basically, it's the bang bang of the music that gets them. Lyrics has no meaning, absolutely. और अगर पुराने गानों को करके देखो तो उनके जो lyrics हैं वो अब समझ में आने लगे कि वो हमारे poets क्या लिखते थे, शैलेंद्र जी ने क्या लिखा था और मदन मोहन जी ने क्या music दिया था. You know, now you put these two things together, they make so much sense. अभी तो वो जब सॉन्ग्स आते हैं तो ज्यादा देर चलते नहीं है, कुछ देर मतलब अच्छे लगते हैं बट उसके बाद फिर ये जो सॉन्ग्स पुरानी है ये अब भी देख लो कितने इमोशंस, इट हैज इमोशंस इनटू दैट. यस, दे आर ऑलवेज गोना बी देयर. तो फिर क्या करते हैं प्रदीप, आई मीन प्रीतम जी, मुझे सुनना है क्या क्या हो रहा है. अब तो कहानी का भी है ना, जब तक आप लिरिक्स नहीं सुनोगे आपको कहानी समझ में नहीं आएगी. आई नो एग्जैक्टली, मजबूरी है सुनना उसको. तो सारी उस दिन की ट्रेन तो सब आ चुकी थी तो सोचा कि यहीं पे बैठते हैं, करीब 4 बजे तक तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे. बाद में सोचा कि विचार बनाया अब चलते हैं और सुबह की जल्दी की ट्रेन पकड़ के वापिस चलते हैं, कुछ अता पता है नहीं, कभी नौकरी भी चली जाए पीछे से और किराए के पैसे भी ना बचे आगे आने के लिए. तो सोचा कि जो भी जल्दी ट्रेन जाएगी उससे चलेंगे. और जो इस बार लेटर्स लिख के रखे थे वो बंडल चाचा के पास फिर से छोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक चाय पी के भाई ये फिर से पहुंचा देना सपना तक. वापसी में जब वो आए तो आके यही हुआ कि एक चाय पिए, जब चाचा खाली थे और उनको वो बंडल उनको देने के बाद आके थोड़ा सा आराम करके जो भी ट्रेन मिली जल्दी से जाके दोपहर बाद की हमने ड्यूटी ज्वाइन कर ली दोपहर बाद, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था यहाँ पे कुछ नहीं है, कम से कम वहाँ चांद सितारे तो थे, छत पे बैठ के गाने तो सुनते थे, वो भी कमी काफ़ी मैं मिस कर रहा था उसको. तो आने के बाद में छत पे चले गए तो फरमाइश तो कोई नहीं आई और चांद भी कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था उस दिन, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. ऐसा लग रहा जैसे उसको पता नहीं हमारे दिल का दर्द. तो उस टाइम क्या जज्बात थे वो अब सुनते हैं.
ब्यूटीफुल वेरी नाइस. इसी पे दो लाइनें कह देती हूँ. कहते इश्क और इबादत, इश्क और इबादत कहाँ जुदा है, इश्क और इबादत कहाँ जुदा है, ये कमबख्त दिल जिसके जिसके ऊपर आ जाए वही खुदा है. क्या बात है, क्या बात है. वाह वाह वाह, बहुत. तभी क्या हुआ, चांद पे तो असर हुआ इस गाने का कि नहीं ये इसके दुख में शामिल नहीं हो रहे तो कम से कम खुशियां मनाते तो ना दिखो, और बदली के पीछे जाके छुप गए. तो लगा कि हाँ इसका मतलब कुदरत तो अभी भी एहसास का मोल समझती है और पूरा भाव देती है. और आ गए नीचे और सोने की कोशिश करने लगे जब भी नींद आई. तो उसके बाद दो दिन बिल्कुल मूड नहीं हुआ छत पे जाने का. लेकिन बीच में फिर चौथे दिन क्या हुआ, सुबह से ही लगने लगा क्योंकि आज शायद कुछ सिग्नल आएगा. और जल्दी से जाके ट्रांजिस्टर ऑन कर दिया 10 बजे. 10 बजे से पहले ही ऑन कर दिया. वेट करने लगे कि पहली फरमाइश हो, क्या पता उसी में हो सपना की, तो कोई कुछ भी मिस नहीं करना है. तो अभी मोहिनी जी सपना की फरमाइश सुनाएंगी जो पहली फरमाइश उनकी थी उस दिन, क्योंकि उसने निराश नहीं किया, उस दिन फरमाइश भेज दी अपनी. जी मैं सुनाती हूँ. यूरोप चले. अरे पहले प्रॉपर्टी तो बिक जाए. किसकी? अरे मेरा ये ऑडियो दूसरा लग गया, लिरिक्स वाला नहीं लगा. मैं चेक कर रही हूँ. एक बार रुक के सेट कर लीजिए, ट्रैक नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. रीना जी, प्रदीप जी आगे सपना जी की डिमांड बाद में पूरी कर दें. एक मिनट, क्या हुआ सर? वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं, आपकी ब्रेक हो रही है. ट्रैक नहीं आ रहा था बिल्कुल भी. मैसेज पढ़ देते हैं इस गाने का क्या था, क्योंकि कब तक अटकाएंगे. शाली जी आप कुछ सुना दें, आपको शायरी सुना दें. मैं तो सुना देती हूँ. मैं तो वो इनारकली की कुछ लाइनें हैं उस मूवी के गाने में थी. कहते इश्क क्या चीज है, शहंशाह से पूछे कोई. इश्क क्या चीज है, शहंशाह से पूछे कोई. हुस्न को तख्ते हुकूमत पे बिछा देते हैं. कहते आप दौलत से तराजू के दिलों को तोलें, आप दौलत के तराजू से दिलों को तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला लेते हैं. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू.
थैंक यू मोहिनी जी, आ रहा है क्या आपका कुछ? अभी अभी सुनिए, आ रही है, मैं म्यूजिक देती हूँ। आवाज आ रही है, म्यूजिक दीजिए। अच्छा, मैं स्टार्ट करके देखती हूँ। मीनवाइल उसको हटा के मोबाइल से ट्रैक बजा दो, माइक्रोफोन के पास रख के और गा दीजिए। कहते साकी को गिला है कि उसकी बिकती नहीं शराब, साकी को गिला है उसकी बिकती नहीं शराब, एक तेरी आंखें हैं जो हमें होश में आने नहीं देती। लगता है कि एक तो सपना का गम है, ऊपर से आप ऐसे ऐसे सुनाओगे, शराबी बना के छोड़ोगी, दम गम में होके और शराब सामने आ जाए। आप सपनों को कह देना, कहते हैं गुलाब जैसी हो, गुलाब जैसी लगती हो, गुलाब हो गुलाब जैसी लगती हो, जरा सा मुस्कुराती हो लाजवाब लगती हो। लाभ तक तो ठीक है, शराबी मत बना देना। हाँ मोहिनी जी, कुछ हो रहा है, आगे चलें। एक मिनट। अभी वॉइस आ रही है आपकी? तो आ रही है, म्यूजिक की नहीं आ रही? म्यूजिक नहीं आ रहा। आप आ रही? ना ना। आई थिंक अगर आप अपने ईयर प्लग्स उतार दें तो मे बी इट विल बी बेटर। सारे तार निकाल दो, लैपटॉप से भी सारे तार निकाल दो, ये भी हटा दो, मोबाइल से ट्रैक बजा दो, लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है वो उसको भी पकड़ेगा, आपकी आवाज भी पकड़ेगा, उसी से सुना दीजिए। लैपटॉप के सारे ऑक्स निकाल दो। मोनी जी, म्यूजिक के बगैर ही गा दो ना, कोई बात नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है हमको। इफ यू नो द सॉन्ग यू कैन सिंग विदाउट द म्यूजिक आल्सो, कई बार हम करते हैं ऐसे ही। हाँ जी, एक अंतरा गा देंगे तो भी हमें मैसेज पता लग जाएगा कि क्या थोड़ा सा ना मूव फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करें, भावना क्या थी, भाव क्या थे, ज्यादा नाटक है। मैं विदाउट म्यूजिक ही गा देती। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, म्यूजिक के अब बगैर गा दो। आप मेरे को म्यूजिक कान में आ रहा है। Yeah, that's why, because you have to disconnect the headphones. कान वाला हटा के सुनाना है आपके करम, आप ही बताएं कैसी भूलेंगे, आपकी इनायत आपके करम, आप ही बताएं कैसी भूलेंगे हम। म्यूजिक हटा दो, आप जस्ट गाओ, जस्ट हाँ, अब आप म्यूजिक सुनेंगे तो हम बोर होंगे ना उसमें बैठ के। नहीं, वो नहीं आ रहा। नहीं, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। चलो प्रीतम जी, नेक्स्ट चलते हैं, आगे जो बढ़ते हैं फिर, कंटिन्यू विद द स्टोरी। मोहिनी जी रोक के चेक कर लीजिए, हम आगे स्टोरी को चलाते हैं, आगे चला रहे हैं उसको। आपके करम। प्रीतम जी, आप नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के सीधा मोहिनी जी के यहाँ जाइए और उनकी साउंड ठीक कर दीजिए पहले। मोहिनी जी सुनाना नहीं चाहती, वो सोचती है कि अभी इनके दुख दर्द कम करने नहीं है। मैंने तो
पूरा प्रैक्टिस किया था इस पे करके, लेकिन अभी पता नहीं तो क्या। आप बिना ट्रैक के तो गा सकती थी, आपने वो भी ट्राई नहीं किया, आप खुद ट्रैक सुन रही हैं और चलो प्रीतम जी आप वो इसका मैसेज तो बता दो। क्या मैसेज यही था कि इस गाने को सुन के ऐसा लगा कि हाँ उनको अभी भी असर तो हो रहा, चिट्ठियाँ मिल गई हैं, शायद वो ग्रेटिट्यूड के भाव हैं जो सुना रही हैं कि आपकी इनायतें आपके कर्म जो हमारे हमारा एहसान मान रही हैं एक तरह से, वो जो चिट्ठियों के द्वारा हमने पहुंचाया अपना, और उनको उनके जो भाव थे वो यही थे कि उनको पसंद आ रहा है वो। तो अब क्या होता है कि उसके बाद फिर नेक्स्ट दो दिन शाम को बिल्कुल सूखे निकल गए, कोई फरमाइश नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर एक शाम को एक चिट्ठी लिखनी पड़ गई, वो चिट्ठी प्रदीप जी लिखेंगे, क्योंकि दो दिन सूखे जाने के बाद में कुछ तो भाव आएंगे ना दिमाग में, फिर उनको 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 पहुंचाना जरूरी है कि अगली बार चाचा को देंगे तो क्या देंगे, तो वो प्रदीप जी लिखेंगे नेक्स्ट लेटर। चलिए फूल भेजेंगे या नहीं? फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल सौदाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मन वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम ते
रुखसार की बातें होंगी, फिर तेरी जुल्फ की रुखसार की बातें होंगी, हिजर की रात मगर प्यार की बातें होंगी, फिर मोहब्बत में तड़पने की कसम खाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली जान होती थी, जाने अब तुझसे मुलाकात हो के ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात सुनिए, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, कितना डर भी बना हुआ है कि कभी यहीं पे ना रह जाए बात, आगे बढ़े ही ना, अधूरी बात रह जाए, जैसे हमारा हमारा वो गाना भी है ना एल्बम का, अधूरी मुलाकात, तो वैसे ही बात अधूरी ना रह जाए, क्योंकि ये काम अधूरे वाले बहुत तड़प देते हैं, काम पूरा होना ही चाहिए, तो उसके बाद का दिन निकल गया। मोहिनी जी आपका है कुछ प्रोग्राम उसमें बना या आगे बढ़ाएं मैसेज के साथ में? आपको मैंने सलाह दी मोहिनी जी, आप उसको मान नहीं रही, आप सारे तार निकाल दो, मोबाइल को लैपटॉप के सामने रख दो, बजाओ और बिना माइक्रोफोन के गाओ, आपकी आवाज और मोबाइल की दोनों लैपटॉप के थ्रू आ जाएंगी हमारे पास, अच्छी आ जाएंगी, बढ़िया आती है। ये बंद हो जाएगा फिर जब मैंने सारे तार निकाल दूंगी? नहीं, कुछ भी बंद नहीं होगा, आपकी आवाज माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन चाहिए नहीं, आपकी आवाज सीधी लैपटॉप के माइक्रोफोन में जाएगी ना, तार निकाल दो, ये हटा दो, इनको फेंको, हेडफोन्स निकाल दो, हेडफोन भी निकाल दो, माइक्रोफोन भी निकाल दो, सब ट्राई करते हैं, बात सुनना आ रही है। आई लव दैट एक्सप्रेशन प्रीतम जी, क्या बात है, खुद की मैंने देखी वहां में आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, सब देखना, ऐसे करते हैं नेक्स्ट टाइम करेंगे, कॉल मेरे दिल का लोगो, सब देखना, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, सब देखना। हम तो ऐसे खुश हुए जा रहे हैं और मोहिनी जी का सिस्टम ही नहीं लग रहा है, नहीं उनको बोलो कि नेक्स्ट टाइम के लिए ठीक तरह से प्रिपेयर करके। उन्होंने उन्होंने एक बहुत अच्छा गाने की फरमाइश की थी जिससे हमें पूरा विश्वास हो गया कि अब 100% चिट्ठी आने वाली है, और फिर भाव जो थे वो भाव सुनते हैं अभी।
देर मेरा मन लहराया ओ, फिर डूब गई आशा की किरण आजा के अधूरा है अपना मिलन कई सदियों से सपनों से मुझे ना यूं बहला पायल के सोए गीत जगा सपनों से मुझे ना यूं बहला पायल के सोए गीत जगा सुनसान है जीवन की बगिया ओ सुना है बहारों का आंगन आजा के अधूरा है अपना मिलन कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन आजा के अधूरा है अपना मिलन कई सदियों से Beautiful. Very nice. ये गाने बहुत देर पहले सुने हुए थे मीना जी वेरी नाइस आपने बीच में एक लाइन सुनी देखो इसमें क्या है कुछ देर मेरा मन लहराया फिर डूब गई आशा की किरण तो जब भी कोई फरमाइश होती थी मन लहराता था लेकिन फिर सब मौसम सूख जाता कोई जवाब नहीं आता तो फिर से डूब जाता तो लिरिक्स देखो कहाँ जा रहे हैं कहानी में जैसे ऐसा लगता है इसी कहानी के लिए लिखे गए हैं ये बिल्कुल बिल्कुल वही तो कहते इश्क भी क्या पेचीदा चीज है इश्क भी क्या पेचीदा चीज है मिल जाए तो बातें लंबी ना मिले तो रातें लंबी वो आपके गाने में दिखाई दे रहा है अब देखिए ना इस कहानी में ये गाने अलग आदमी ने अलग माहौल के लिए लिखे गए हैं लेकिन कहानी अलग बनी हुई है ये तो ये कैसे बैठ रहा देखो सपनों से मुझे ना यूं बहला क्योंकि सपनों से ही बहलाया जा रहा है ना अभी तक तो एक गाना आ रहा है सपना की पसंद का एक गाना आ रहा है वो सपना कौन है असली वाली है नकली वाली कुछ नहीं पता अभी तो लग रहा है कि हाँ ये सपना ही है जो लिख रही है तो सपनों से मुझे ना यूं बहला पायल के सोए गीत जगा सुनसान है जीवन की बगिया सुना है बहारों का आंगन सब कुछ सुना चल रहा है तो कुछ मतलब इससे ज्यादा तड़प बताने का और क्या तरीका हो सकता है वही तो मैं कह रही हूँ अब ऐसे है कि हमको ज्यादा देर वेट नहीं करनी अब जल्दी जल्दी आओ क्योंकि नेक्स्ट वेट नहीं कर सकते आप क्या हमको बेचैनी सी नेक्स्ट आएगा जल्दी आएगा उसके बाद अगले दिन एक गाना और आया था जो मोहिनी जी बिना उसके सुना सकती हैं हैंड्स फ्री निकाल के तो सुना दीजिए मुझे पता सिस्टम काम नहीं करेगा वो सेटिंग उसकी ऐसी होती है एक बार गई तो गई मेरा वाला सॉल्यूशन समझ में आया हो तो हो जाएगा वो मैं ये हैंडफोन निकाल देती हूँ तो आप लोग की आवाज नहीं आती लैपटॉप के माइक्रोफोन से नहीं आएगी आवाज हमारी चलो आप इससे सुन लो लेकिन आपकी आवाज हमें जो आ रही है उतनी सुना दो कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगले दिन जो लेकिन लिरिक्स आपने लिखे नहीं होंगे आप लिरिक्स उस पे से ट्रैक पे पढ़ के गाएंगी हाँ तो गा नहीं सकती फिर क्योंकि म्यूजिक आएगा नहीं और ये चलेगा नहीं तो अगला जो गाना है वो भी हम अगली बार सुनेंगे अगली हाँ जी
सॉरी, मैं मेरा बिल्कुल सेट करा हुआ था, लेकिन मालूम नहीं क्या क्या चीज मिल गया, क्या चीज़ होता है आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई वो बात नहीं। वो फिल्म थी ना वो सलमान खान और भाग्यश्री की, उसमें वो कहते हैं ना बार बार होता है होता है। तो कई बार कुछ कुछ होता है जो हमें समझ में नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, होता है सबके साथ होता है। कुछ तो हम क्या करते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं और दोबारा से जोड़ते हैं। प्रदीप जी को फोन करते हैं कनाडा, ये क्या हो गई मुसीबत। चलो हम भी करेंगे। तो अब अगला जो गाना था, अगले दिन जो फरमाइश थी मैं बता देता हूँ। मोहिनी जी दो लाइनें सुना दीजिए उसकी बिना ट्रैक के, और आगे नहीं फिर उसको। हाँ हाँ सुना देती हूँ। धीरे 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 चलते दिल है, यू तड़पती न तड़पा मुझे बार बार कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिल पे। तो ये गाना सुनने के बाद हमें क्या लगा कि अब तो वहाँ इंतजार शुरू हो गया, इसका मतलब तो ये है कि चिट्ठी का जवाब दे दिया गया है हमें, या तो मिलने वाला है ये, वो क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब तो कोई आने वाला है, तो चिट्ठी में शायद अपॉइंटमेंट की डेट है कोई, अब हम उसका इंतज़ार करेंगे अगले एपिसोड तक कि चिट्ठी आती है तो क्या आता है उसमें, क्या उसमें संदेश है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है। तब तक प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लेटर आए वो अच्छी उम्मीद के साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, हम तो एक्साइटेड है नेक्स्ट टाइम की स्टोरी, आगे क्या चैप्टर आने वाला है, हम तो उसकी वेट करेंगे। जरूर। तो आपको एक प्रॉमिस करना है कि इतनी देर हमको वेट नहीं करना कराना, आप आज ही डेट निकाल दीजिए मुझे। अभी हम बता देते हैं आपको, तो आपको देखो अभी तो मार्च का है ना महीना, अब ऐसे है कि एंड ऑफ अप्रैल आ सकते हो। देखो आपका स्केड्यूल अप्रैल के एंड में, अप्रैल में मेरा तो ये प्लान था एक कि मैं मुझे लगता है मैं फरीदाबाद जाने वाला हूँ अप्रैल में, तो मोहिनी जी के साथ बैठ के हम कुछ सपना से मुलाकात होगी। अभी प्लान करते हैं, लेकिन सबको हमारे जो फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको सब हम गुड बाय करते हैं, थैंक्स करते हैं आने के लिए। I want to thank all of you. A lot of new people have come. Thank you so much. आप इंडिया से हो या यहाँ से हो, प्रदीप जी के फ्रेंड्स हैं या प्रीतम जी के या मोनी जी के या शैली जी के या नंदिनी जी के या मेरे हैं। I want to thank all of you for joining. It was such a beautiful program done by the three of them. थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी, तो वो तो नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल सही होगी, बट उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी से। That's the part of this mechanical life. Part of life, part of fun, part of this program. Yes, yes. इस अंदर ही प्रोग्राम के अंदर ही हमारी वेट करनी थी, तो मैंने इसलिए मोहिनी जी ने थोड़ी और भी वेट करा दी स्टोरी की वेट। मोहिनी जी ठीक कर रही हैं, सपना जो कर रही है ना वही मोहिनी जी करके दिखा रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना, तो उन्होंने बोला था छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहर में रहते तो ऐसी प्रॉब्लम ना आती शायद, सब बड़े बड़े शहरों से हम फिर हम जम तारा वालों को फोन करते और वो एक मिनट में हमारा सिस्टम ठीक करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम थैंक यू सो मच। अभी बोल दिया ना वो वंदे भारत लेके सीधा मोनी जी के पास जा रहे हैं। एंड जब भी हम जाएंगे इंडिया में तो हम जरूर मिलेंगे आपको। तो आप मैं सबको यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आपकी इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, जो भी है एंजॉय कीजिए। एंड म्यूजिक इज अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप गाने सुने उनके दोबारा सुने प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम is on all the time, you can always go back and listen to it again. agar thoda sa miss kiya hai please go back and listen, kafi acche gaane pehle bhi hue hain agar aap late aaye ho to. otherwise have a wonderful day, definitely love from everybody. first december 2021 ko hamara pehla episode aaya tha is kahani ka, to tab se leke ab tak ye chhata wala tha, puri kahani achhi lagegi, koi bhi nirash nahi hoga। कहीं जाते हैं तो ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एक घंटा दो घंटा जब टाइम है तो सुन लीजिए एक एक एपिसोड करके। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड वी विल बी बैक सून। अभी हम पूरी डेट फिक्स कर रहे हैं,
So we'll be back. Okay, so have a wonderful April day. में तो आ ही रहे हैं, अप्रैल की डेट देखेंगे कौन सी, अप्रैल में आ ही रहे हैं। 19th. देखते हैं. तो चलो मैं nice. करती हूँ सबको, बाय एवरीबॉडी। Yes, bye. Nice to meet you guys. Yes. Thank you. And एक सेकंड आपने जाना।